ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਾਣ ਹਾਨੀ ਗੱਲ ਸਭ ਨੇ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਬਸ ਇਹ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹ ਲਾਈਟ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਲਾਈਟ ਹਮਾਰਾ ਸਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਿਧਰ ਹੈ रोली ओके मैम आपका नया पोस्टर आ चुका है, बहुत ही सुंदर पोस्टर है, कुछ बताना चाहिए किस तरह की फिल्म है और पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। मेरा नाम भव्या चौधरी है और मैं आगरा से बिलोंग कर रही हूँ। ये मूवी आ रही है मेरी, ये मेरी फर्स्ट बॉलीवुड मूवी है, 2 नवंबर को लॉन्च हो रही है। फैमिली बेसिस मूवी है, इसमें मुकेश तिवारी जी हैं जिनकी मैं बेटी बनी हूँ। किस तरह का किरदार है, थोड़ा किरदार के बारे में बताइए। नवंबर मेरा किरदार इसमें बहुत ज़्यादा हॉट है और मतलब एक लड़की होती डॉन है, मेरे डैडी जो हैं इसमें वो उनकी जो बेटी है वो बहुत ज़्यादा दारू वारू पीती है, घूमती है, गुंडेगर्दी करती है बहुत ज़्यादा, तो वही सब दिखा है इसमें। और इसमें छोटा सा मेरा शादी का सीन है जिसमें मैं शादी करना चाहती हूँ लेकिन मेरी शादी नहीं हो पाती, मेरी किडनैपिंग हो जाती है, तो ये फैमिली ड्रामा है। सेंटर लुक मैम, सेंटर लुक इसमें कितने गाने हैं मैडम? इस फिल्म में 4 गाने। अभी आपने बोला है कि इसमें दारू वारू का सीन है, मतलब मेरे ऐसे सीन दिखाए हैं। अच्छा, मतलब इस टाइप की लड़की है, मतलब अभी तो नहीं लगती। रियल लाइफ में कैसी है? रियल लाइफ में रियल लाइफ में मैं बहुत ही कूल टाइप की पर्सन हूँ, घूमती फिरती हूँ, पार्टी वार्टी करती हूँ, दारू वारू नहीं पीती हूँ। फिल्म के बारे में और बताइए कुछ, इसके सीन्स कैसे कहाँ से हुए? फिल्म जो है वो संजय मिश्रा की है, बेसिकली जो लीड है वो संजय मिश्रा है, बाकी आप लोगों की फैमिली है। इसमें कितने लोग किरदार में हैं? इसमें है संजय मिश्रा, मुकेश तिवारी है, काजल जैन है, चंद्रचूड़ राय है, महेश शर्मा है। इनकी शूटिंग कहाँ कहाँ हुई है? शूटिंग पूरी हम लोगों ने मथुरा में की है, बंगाली का पूरी शूटिंग मथुरा। कितने दिन में कम्प्लीट हुई? प्रोडक्शन के बारे में बांके बिहारी की, बांके बिहारी प्रोडक्शन को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ, मतलब उनकी टीम इतनी अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव, बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं वहाँ के, और जो हमारे डायरेक्टर हैं खासकर उनके लिए तो मैं क्या बोलूँ, मतलब वो बहुत अच्छे करते हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने मतलब मेरी बहुत हेल्प की है। 21 दिन में क्या खास राज है? 21 तारीख जो है वो काफ़ी सालों से चली आ रही थी, 21 तारीख को करेंगे, अगले महीने की 21 तारीख को करेंगे, बट उनकी शादी नहीं हो पाती, फाइनली फिर 21 तारीख आती है उस पर शादी। ओके, जैसे कि आपने बताया कि इस फिल्म के बारे में कैसा रहा एक्सपीरियंस संजय मिश्रा के साथ? संजय मिश्रा के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, वो बहुत ही एज हैं और बहुत ही सीनियर एक्टर हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। क्या कुछ सीखने को मिला आप उनसे? हाँ, कुछ सीखने को नहीं मिला उनसे, वो अपने आप में रहते हैं, नहीं वो बहुत अच्छे पर्सन है, बस वो यही बोलते हैं कि जब सेट पर आओ तो सिर्फ सेट के ही होके रह जाओ, एक ऐसा एक्टर ही हो जाओ और पर्सनल अपना सब कुछ भूल जाओ। ओके, जब आपने फर्स्ट टाइम ये स्क्रिप्ट आपने पढ़ी तो क्या क्या लगा कि ये करना चाहिए? क्या फर्स्ट टाइम जैसे कि कोई भी अगर एक्ट्रेस है तो वो हॉट या रोमांटिक करता और आपने यहाँ पे थर्की वाला रोल कर दिया, तो मैंने जब ये स्क्रिप्ट पढ़ी थी एक्चुअली मुझे एक ऑडिशन पर बुलाया था, तो मैं ऑडिशन पर मुझे कैरेक्टर ही उन्होंने ऑडिशन पर यही दिया था, तो मैंने जब बुक किया तो मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ अपनी लाइफ में, थोड़ी सी मैं ऐसी कूल बनती हूँ, तो मुझे वही ऑडिशन मिला करने को, तो मैंने बिंदास कर दिया और तो मैं अच्छी लगी। फिर मैंने बाद में स्टोरी सुनी जो मुझे अच्छा लगा मैंने किया। ये मूवी कैसे मिली आपको, उसके बारे में ज़्यादा मुझे ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा इस मूवी के लिए, थैंक यू सो मच। क्या इसको बोलूँ, मतलब बहुत ही मैं आई थी उस 1.5 साल पहले, 1.5 साल पहले, और एक मुझे आते ही ये मूवी मिली, ज़्यादा टाइम नहीं है। जैसे कि आपने बॉम्बे आए तो अपने गाँव
कि अपने शहर से यहाँ तक की जर्नी कैसी रही थोड़ा? मेरे लिए अभी तक तो सब कुछ बहुत ईजी रहा, आगे का पता। ओके, जैसे कि घर से अगर इतना सपोर्ट मिला आपके फैमिली मेम्बर से कि एक्ट्रेस बनना है, या हाउ मच यू गेट द सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली मेम्बर? मेरी मॉम मेरे सपोर्ट में नहीं थी, मेरे डैड हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे और उनके सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ बैठी हूँ। Okay, why your mother not supporting you and any what reason behind of that? Have she screamed you or shouted you any time during this role? बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, मैं घर में सबसे छोटी हूँ तो उन्हें नहीं था कि मुझसे दूर जाए, इसलिए वो हर चीज़ के लिए मना करती थी, बाहर जाना ही नहीं। ओके, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री में ये भी एक डर रहता है कि कुछ गलत यूज़ ना हो, और आजकल लगातार इस बात में बात हो रही है मी टू मूवमेंट, तो आप कितना परेशानी रहा, क्योंकि आप कोई फैमिली से कोई बैकग्राउंड नहीं था यहाँ पर फैमिली का, तो कुछ ऐसी तकलीफें आपको सहनी पड़ी इस इंडस्ट्री में आपको? अभी तक तो ऐसा कुछ फेस नहीं किया है और होप्स हो कि आगे भी ना करूँ, अगर मैं इतने अच्छे लोगों के साथ फर्स्ट टाइम काम कर चुकी हूँ तो मुझे नहीं लगता कि आगे मेरे सामने ऐसा कुछ है। ओके, इससे पहले आपने कोई एक्टिंग का कोर्स किया हो? मुझे आपको कब लगा कि हाँ मुझे एक्टिंग करना चाहिए? एक्टिंग में एक काफ़ी कुछ सीखना होता है, डिक्शन सीखना होता है, काफ़ी प्रयास करनी पड़ती है, अपनी आवाज़ को छोटी से ऊपर लेके जाना पड़ता है, तो हाउ यू लर्न दैट? मतलब यू आर डूइंग दिस, घर से कुछ सपोर्ट ना मिलने के कारण क्लासेस आपने ज्वाइन की, क्या किया? मतलब मैंने कोई क्लासेस ज्वाइन नहीं की, जब मैं आई थी तो मैंने कुछ 3 महीने के लिए थिएटर ज्वाइन किया था, और बचपन से एक्चुअली क्या था, थोड़ी छोटी थी तब से ही मैं एक्टिंग करती रहती थी, टीवी देखती थी कुछ ना कुछ, तो मुझे नहीं लगता था कि मुझे जी। हाँ मैम, जिसकी घर से ना सपोर्ट मिलना, फैमिली से मम्मी से मिलने, मम्मी का बिगेस्ट सपोर्टर होती है और मम्मी से सपोर्ट ना मिलना, तो आपने कहाँ से एक्टिंग सीखी, ये पूरा एक्टिंग का करियर कैसा आपकी शुरुआत किया आपके करियर में, और जिसको देख के आपको लगा हाँ आई वांट टू बिकम एक्ट्रेस? मुझे एक्चुअली किसी को देख के नहीं लगा कि मुझे भी बनना चाहिए एक्टर, नहीं मुझे किसी को देख के नहीं लगा एक्चुअली। मैं बचपन से अपने स्कूल में जो शोज़ होते हैं, छोटे छोटे शोज़ होते हैं, वो सब मैं करा करती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं बहुत अच्छी एक्टर हूँ, मुझे जाना चाहिए एक्टिंग में, और फिर मॉडलिंग में गई, मॉडलिंग के बाद में एक्टिंग में। मॉडलिंग होती है, कितना मॉडलिंग किया आपने? मॉडलिंग मैंने जब मैं अपने होम टाउन में थी तभी वही की, उसी के बाद मैंने मुंबई में। और हाउ वाज एक्सपीरियंस इन थिएटर? थिएटर में मतलब आपने कहा क्या क्या सीखा आपने थिएटर में? डिक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है, डिक्शन ही सीखी थी मैंने, क्योंकि मैंने ज़्यादा टाइम नहीं, सिर्फ 3 महीने के लिए मैंने ज्वाइन किया था। ओके, जब शूट के समय आपने ऐसी क्या बात सीखी जो आपने पहले नहीं सीखी थी? मतलब शूट के वक्त आपने अपने संजय सर जब एक सीनियर एक्टर, उनसे क्या सीखा, मतलब पूरे ओवरऑल सेट के लोगों से? ओवरऑल मैंने सिर्फ एक ही चीज़ सीखी कि इस इंडस्ट्री को अपना पूरी लाइफ दे दो, बस यही सीखा, अपनी लाइफ से तो इस इंडस्ट्री को पूरी अपनी, तभी कुछ बन पाओगे, फोकस अपना सिर्फ एक्टिंग पे ही रखना। कौन सी हीरोइन को अपना रोल मॉडल मानती है? किसी को आगे चल के कैसा रोल चाहते हैं आगे जाके? मैं दीपिका पादुकोण। मतलब दीपिका का क्या फैन और हीरो अक्षय? अक्षय की क्या कौन सी फिल्म आपको ज़्यादा पसंद आई, एक्टिंग में क्या पसंद आई? एक्चुअली मुझे पहले मूवी का नाम नहीं पता था, मुझे सिर्फ स्टोरी लर्न करना, जब मैंने रीड की थी स्टोरी तो मुझे लगा था कि फैमिली की सबसे अच्छी बात उसमें है कि मुझे किसी हीरो के साथ में मतलब अपोजिट में नहीं हो सकती, मेरे मतलब क्या होता है ना, नई नया कोई भी आता है तो उसको होता है कि लड़के के साथ मूवी करना, जैसे कि आपको पता था, तो फैमिली बेसिस मूवी थी इसलिए मैंने उसको कर ली थी। फिल्म में आपको जो आपने एक साल आपका फिल्म बनाने में लगा, उसमें ज़्यादा सपोर्ट आपको कहाँ से मिला फिल्म के डायरेक्टर में? कहाँ आपको फिल्म के दौरान आपने एक्टिंग किया तो वहाँ पे आपको किसने आपको ज़्यादा सपोर्ट किया एक्टिंग? मेरे डायरेक्टर सबसे ज़्यादा, मेरे डायरेक्टर जो है मूवी के
वो दिल्ली से है, उनका नाम पवन चौहान है। मतलब हर किसी के लिए वो सपोर्टिव है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे लिए, बट उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा। लास्ट की बात करें कि दोनों उम्र तो भी जा रही है, बीवी या फिर सारी का वो तो कितना एक्साइटेड है लेडीज? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, डे बाई डे बढ़ती जा रही है। तो अपने फैंस को या अपने फैमिली को क्या विषय फैंस को जो होंगे आपके दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि ये मूवी जो है वो फैमिली को लेकर जाओ, देखो फैमिली बेसिस है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो आप किसी के सामने देख नहीं सकते। और जैसे कि संजय मिश्रा हैं, संजय मिश्रा जी तो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे एक्टर हैं, ये कॉमेडी है इसमें पूरी मूवी में उन्होंने कॉमेडी की है, बहुत अच्छी एक्टिंग की है। बिग बॉस की बात करें, हिंदी में लगातार बिग बॉस की काफ़ी चर्चा होती है, तो आप कितना पसंद करते हैं बिग बॉस को? मैं बिग बॉस बहुत पसंद करती हूँ और मैं डेली बिग बॉस देखती हूँ, और मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट है दीपिका कक्कर, उन्हें मैं बहुत पसंद करती हूँ, बहुत ही माइंडली गेम खेलती हैं, वो मेरी फेवरेट है। ओके, इसके अलावा दीपिका के अलावा कौन से आपके फेवरेट कंटेस्टेंट है कॉमेडी उसमें? करणवीर वो जब वो कसौटी जिंदगी की पहले आया करता था तब से मैं उन्हें देख रही हूँ, मैं बहुत छोटी सी थी तब से मैं देख रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है। ओके, जैसे कि आपने कसौटी की बात की तो कसौटी जिंदगी का सीजन 2 की शुरुआत हो चुका है, तो आपको कितने पसंद आए कसौटी जिंदगी की और कुछ बताना चाहिए कि आपने इस एपिसोड को देखा? आपने कसौटी अभी भी शुरू हुआ है, पहले वाला भी मैंने देखा हुआ, लेकिन उस टाइम मैं थोड़ी छोटी थी, बट अभी मैं अच्छे से देख रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है, मुझे एकता कपूर के सारे सीरियल्स बहुत पसंद। तो कभी हम आपको देख पाएंगे सीरियल पर कभी एकता बालाजी के? हो सकता है देख लो, मैं तो चाहूँगी जरूर देखो आप लोग। ओके, कोमली का रोल सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है और उस पर हिना खान है, तो हिना खान कितनी पसंद है आपको? हिना खान मेरी फेवरेट है, मुझे जब उनका प्रोमो देखा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि हिना है, और मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हुई उन्हें देख कर, जैसे मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं ही हूँ, बहुत पसंद है। अगर आपको मौका मिलता है एज अ कॉमनर या सेलिब्रिटी बिग बॉस पे जाना तो आप जाना पसंद करेंगे? हाँ बिल्कुल जाना पसंद। तो वहाँ पर किस तरह से आप एंटरटेनमेंट करेंगे लोगों को? कोई झगड़ा करके करता है, कोई इधर की उधर करके लोगों को एंटरटेन करता है, तो आप किस तरह से एंटरटेन करेंगे? रोककर एंटरटेन करेंगे, किस तरह से करेंगे? बस मैं वहाँ रोककर एंटरटेन नहीं करूँगी, मैं झगड़ा करूँगी इधर की उधर करके, गेम खेलूँगी बस। असल में कभी खेला है आपने गेम? हाँ खेला है ना, बहुत खेला है। कितने जगह की बात लगी? मोस्टली लड़कियों की लगाई है मैंने अपने तक, मज़ा आता है मुझे ऐसे ताना भूसी करके। एक्टिंग के दौरान कुछ मीटू हुआ है? क्या हुआ है? मीटू नहीं बोला ना अभी, कुछ नहीं मीटू के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, कॉमेंट्स मुझे नहीं पता किसने किसके साथ क्या किया और कौन क्या बोल रहा है। जैसे कि अगर बताया जाता है कि बॉलीवुड में लगातार इस तरह की घटना हो रही है, लगातार हर कोई एक्ट्रेस आके बोल रहा है, तो उसको कैसे देखते हैं? चाहे वो आलोक नाथ की बात करें, संस्कारी आलोक नाथ हो या नाना पाटेकर हो या साजिद खान हो, हर कोई उनके पर अलग अलग विचार करते हैं 10 साल बाद, आप कैसे देखते हैं? ऐसे वीमेन आप क्या देखते हैं, इनके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? इतने सीनियर एक्टर हैं और ये काफ़ी सालों पुराने मुद्दे उठा रहे हैं ये लोग कि उस टाइम पे हमारे साथ ये किया था, उस टाइम पे ये किया था, तो उस टाइम किया था तो उस टाइम एक्शन लेना चाहिए था। अभी तनुश्री जब से आई है तब से सब आ रहे हैं कि हमारे साथ भी हुआ, मुझे नहीं लगता ये आपके हिसाब से सही है गलत? नहीं, मेरे हिसाब से ये सब सही नहीं है। नाना पाटेकर जी के लिए तो मतलब वो तो बहुत अच्छे इंसान है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। आपको लगता है सब लोग अपनी फुटेज मानेंगे? पता नहीं, ये सभी पब्लिसिटी स्टंट है आपको लग रहा है? सब कुछ पब्लिसिटी स्टंट है, चाहे वो नाना पाटेकर पर आरोप लगाए गए। नाना पाटेकर जी के ऊपर पता नहीं क्यों लगाया, इतने अच्छे इंसान है। ओके, तनुश्री दत्ता के ऊपर आप क्या कहना चाहिए? लोग कह रहे हैं कि आप वो 10 साल बाद लगा रही है इस तरह के आरोप, आपको लगता है इस तरह के आरोप उन्हें लगाने चाहिए थे? और कई लोग कह रहे हैं कि इतने इंटीमेट से इमरान के साथ भी उन्होंने काम किया होगा, आपने देखा होगा, तो आप कैसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं? हाँ तो इमरान की बात है तो मैं भी वही बोलूँगी कि इमरान के साथ तो सब कुछ था, तब भी
नहीं बोला नाना बर्थडे के दिन, अगर टच भी किया होगा तो क्यों बोला, वो भी 10 साल बाद क्यों लेके उसी टाइम बोलना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं पब्लिसिटी स्टंट लेता है उसी बता मुझे तो वही लगता है। वही लगता है तो आपको लगता है इससे कहीं ना कहीं महिलाओं की इज्जत इससे ज़्यादा खराब हो रही है, आपको नहीं लगता इस तरह के आरोप गलत लगाने से? महिलाएं तो कुछ भी करती हैं सब अच्छा ही माना जाता है। अच्छा ही माना जाता है, अच्छा ही माना जाता है। आपको लगता है कहीं ना कहीं लोग फंसाते हैं महिला इसका प्रयोग करती है इंडस्ट्री में? ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, सब एक दूसरे को फंसाने में लगे। लाने आपको ऐसी कोई मालूम है कोई सेलिब्रिटी ने फंसाया हो ऐसा कोई बताना चाहे आप बता सकते हो? मतलब आपको मालूम है कि ऐसा होता है, कई मॉडल्स कई करते हैं ऐसा? हाँ मॉडल्स मॉडल्स की कहानी बहुत पता है, बट छोड़ो जाने को। थैंक यू सो मच मैडम। मैडम एक आखिरी सवाल, आज आप एक्टिंग में, आगे फ्यूचर में और क्या क्या करना चाहते हैं? मैं फ्यूचर में सिर्फ एक्टिंग ही करना चाहती हूँ। टीवी सीरियल के लिए, फिल्म के लिए? और भी मैं फिल्म करना चाहती हूँ, सिर्फ फिल्म करना। फिल्म की बात रही तो आप अपने ऑडियंस से क्या गुजारिश करना चाहेंगे, आपको फिल्म देखना चाहेंगे? मैं यही बोलूँगी कि 2 नवंबर ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, हम लोगों को बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, ब्लेसिंग की ज़रूरत है, आप प्लीज़ जाइए फैमिली के साथ देख कर आओ, बहुत अच्छी मूवी है और आपको बहुत मज़ा आएगा, आप मतलब बहुत हंसोगे इस मूवी को देख के, और बाहर निकलते निकलते आप यही नाम लोगे मस्त मूवी थी, बहुत अच्छी मूवी, आप प्लीज़ जाइए। कोई बात नहीं, फिर आपको 2 तारीख को मिलेंगे हम सिनेमा हॉल के सामने। बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे, गेट पर वो रहेंगे आपके इंतजार में। लाइट दे रहा हूँ मैडम, यहाँ 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 मैडम यहाँ पे नाला आ रहा है पीछे मुझसे, मेरे पास सफेद है भैया लोग, लाइट पकड़ लो थोड़ा मैम, थोड़ा ये साइड हो जाइए, हाँ ये हाँ सीमा सिंह के वाहन तो नहीं मैडम, सीमा सिंह के वाहन से लगता है भाई, सिंगल सिंगल जिनको करना कर सकते हैं, किस तरह का आपको उसमें क्रेडिट है? मेरा कैरेक्टर है मुकेश तिवारी जी, जिनकी बेटी बनी हूँ मैं, और जो मेरे डैड हैं वो मतलब उस टाइप के हैं जो उनकी बहुत चलती है डॉन टाइप के हैं, वो उनकी बेटी हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा कूल हूँ, मतलब पैसे उड़ाती रहती हूँ बड़ा, और अपने पापा की चीज़ों पर ऐश करती हूँ, इस टाइप का मेरा कैरेक्टर। बात करें कि प्रोडक्शन और बाकी बिहार प्रोडक्शन ऐसे कितने कब कितनी सारी पिक्चरें या आप लोग कैसे इससे जुड़े क्या हुआ? मैं एक ऑडिशन पे गई थी, मुझे एक कॉल आया था ऑडिशन के लिए, मैं ऑडिशन पे गई थी, तो ऑडिशन मेरा बहुत अच्छा था, तो सेकंड डे मेरे को बुलाया था मेरे डायरेक्टर ने जो ऑडिशन छाने लिए थे, उन्होंने मुझे बुलाया था, बाकी भाई प्रोडक्शन के बारे में क्या बात, मतलब सारे लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, और सब लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि मैं नई नई थी इस मूवी में, तो मुझे थोड़ा सा ये था कि पता नहीं मैं कैसे कर रहा हूँ फर्स्ट बॉलीवुड, बट सब लोगों के सपोर्ट के साथ मुझे बहुत अच्छे से मैंने पूरी मूवी को फील और पूरा इंटरेक्शन उनके साथ कैसे एक्सपीरियंस रहा, कैसा सारे सीनियर एक्टर थे मेरे साथ, तो ऑफकोर्स मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा,
सीनियर के साथ काम करने पे आपको एक्चुअल में पता चला कि बॉलीवुड क्या एक्टिंग क्या है, तो मुझे सीनियर्स के साथ काम करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। बात करें डायरेक्टर किस तरह आपको ग्रुप किया था स्टोरी, मतलब एक करेक्टर किस तरह थे आपको पूरा इसी एक्ट करना है? मेरे जो डायरेक्टर हैं पवन जी, वो बहुत अच्छे पर्सन हैं। मतलब मैंने अगर लाइफ में अगर ऐसे पर्सन मिले कि अगर मूवी देते रहे तो शायद मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचाऊँगी। वो बहुत अच्छे बंदे हैं, उन्होंने मेरे को हर सीन पर, ऐसा होता है मोस्टली कि ठीक है स्क्रिप्ट दे दी आपको, आपको उसे शादी करनी है, लेकिन मैं हर सीन से पहले उनसे एक बार डिस्कस करती थी, सर मुझे थोड़ा सा लग रहा है आपके प्रॉब्लम, तो वो अलग से स्पेशली थोड़ा सा टाइम लेकर मुझे बताया करते थे कि ऐसे करना है, ऐसे करना, बहुत सपोर्ट किया। कोई ऐसे फनी मोमेंट हो जो शूटिंग के दौरान हो या जो आपको यादगार रहा हो? फनी मोमेंट मेरा ये था, मैं बहुत देर से कैमरे के सामने एक्ट कर रही थी और मुझे पता ही नहीं था कि कैमरा बंद है, वो तो मैंने दोबारा टेक किया। और इसके अलावा कोई डायरेक्शन या कोई सीन पे किसी के साथ? नहीं, बाकी एक्चुअली मूवी इतनी कॉमेडी है ना कि हर जगह, मतलब आप जहाँ देखोगे वहाँ कुछ ना कुछ हंसी हो ही नहीं है, क्योंकि हर सीन में कॉमेडी है, हर सीन में कॉमेडी है। शादी का सीक्वेंस ऐसा है कि दुल्हन कोई और दूल्हा कोई और, बहुत सारी कॉमेडी है तो सब लोग हंसते ही रहे। बात करें जो 21 तारीख से मुहूर्त, मतलब इसका क्या? 21 तारीख का ये मैटर है कि हर मंथ जो संजय मिश्रा जी हैं वो हर मंथ चाहते हैं कि नेक्स्ट मंथ मेरी बेटी की शादी 21 तारीख को होगी, उसके नेक्स्ट मंथ 21 होगी, उसके नेक्स्ट मंथ 21 होगी, वो 21 तारीख कभी आ ही नहीं पाती है, तो वो 21 तारीख का पूरे पूरी मूवी में पूरा राउंड राउंड चलता रहता है, 21 तारीख, अरे इस महीने 21 तारीख अभी अब होगी शादी, लेकिन वो बहुत टाइम बाद जाके बहुत कुछ झोल करने पड़ते हैं उनको, तब जाके फाइनली किस वो शादी होती है। बात करें गाने आपके आपके ऊपर क्यों आए गए, कितने गाने होंगे? मूवी में पूरे 4 गाने हैं और संजय मिश्रा के हैं उसमें मोस्टली गाने, और बहुत अच्छे गाने हैं, मतलब हम लोगों ने शूट किए हैं काफ़ी सारे, बहुत ही अच्छे गाने। बात करें जो मी टू मूवमेंट चल रहा है इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि पब्लिक सिटी स्टैंड है या कि किसी रीजन के आपके ये मुझे ऐसा लगता है ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट के लिए करती हैं तनुश्री, क्योंकि तनुश्री का टाइम अब चला गया है, अभी वो घर बैठी हुई है तो उनको लगता है कि अभी शायद थोड़ी सी फुटेज मिल जाए, इंडस्ट्री में दोबारा से काम मिल जाए कुछ, तो वो इसलिए ये सब गेम खेल रही है। वरना नाना पाटेकर जी जो हैं वो इस टाइप के बंदे नहीं हैं, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो उनके बारे में जो बोला वो बिल्कुल गलत है, तनुश्री सिर्फ पब्लिसिटी के लिए कर रही है। बात करें कि हर एक लड़की आज काज की किसी डायरेक्टर को लेके एक्टर को 10 साल पुरानी हो या कल की हो, मतलब 2-4 साल पुरानी, कुछ ना कुछ आके बोल रहे हैं फुलनेस निकाल दी, क्या आपकी सब क्या लगता है? मेरे हिसाब से ये कि अगर तुम्हारा केस 2-4 साल पहले का है तो उसी टाइम आपको स्टंट लेना चाहिए था ना, उसी टाइम आपको बोलना चाहिए था, अभी आप सबको देखकर आगे बढ़ रहे हो तो आप कौन मानेगा। और लड़कियों का क्या है ना कि इंडस्ट्री में कुछ लड़कियां होती हैं जिनके साथ सच में कुछ ना कुछ होता है, और कुछ होती हैं जो खाली फुटेज पाने के लिए पब्लिसिटी स्टंट के लिए करती हैं सब, तो ये सब पे बोलना कोई मतलब नहीं है, ये सब फालतूगिरी हो रही है, कुछ भी नहीं है। बात करें आप लास्टली आपके फैंस जो होंगे उनके लिए क्या क्या कहना चाहेंगे, ये पिक्चर में क्या होगा इस अगर देखिए? मेरे फैंस जो है मैं उनको ये बोलूँगी कि आप लोग मुझे बहुत पसंद करते हो, मुझे पता है, पर और मैं इस मूवी में बहुत ही अच्छी लगी हूँ, बहुत कॉमेडी भी की है मैंने, तो मेरे फैंस मुझे बहुत पसंद करते हैं, तो प्लीज़ आप ज़रूर जाइएगा ये देखने के लिए, आपको मुझसे और ज़्यादा प्यार है। वो कभी भी जब आप बता दीजिए कुछ सिनेमा जरूर कभी आ रही है 2 नवंबर को आ रही है सारे पीरियड्स में है, आप जाके ज़रूर देखिए ये मूवी, और उसके बाद नेक्स्ट मूवी है तो मेरे फैंस मुझे पता वेट कर रहे होंगे कि नेक्स्ट क्या है, तो वो मैं आपको बता दूँगी, पता चल जाएगा। थैंक यू।